हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा जो फेस है, हमारी जो स्किन है, वो रातों रात एकदम से क्लीन हो जाए, गोरी चिट्टी हो जाए। सामने वाला बंदा अगर मेरी तरफ देखे तो उसकी जो निगाहें हैं, जो नजर है, वो सामने से हटे ही ना। इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत तरीके की जो क्रीम है वो लगाना शुरू कर देते हैं। इन क्रीमों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ दिन वो लगाते हैं, उनको जो फेस है या उनकी स्किन है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, गोरी हो जाती है, और उसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये जो क्रीम है वो उनके लिए मतलब एक अजूबे का काम कर रही है। मतलब वो जो क्रीम है उसको लत लगा लेते हैं वो लोग, वो क्रीम फिर बंद ही नहीं करते हैं, बस लगाते रहते हैं लगाते रहते हैं। उसके बाद जब उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें इस क्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मार्केट में अभी क्रीम ऐसी अवेलेबल है जो बहुत सारे लोग ले लेके आ रहे हैं, लगा रहे हैं। शुरू में वो क्रीमें जो है बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब शुरू में जब वो यूज़ करते हैं ना, उनको लगता है कि जो स्किन है उसको लगाने के बाद एकदम से जो कलर है वो फेयर हो गया है, उनकी जो स्किन है वो एकदम से लाइट हो गई है, साइन करने लगी है, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो लत है वो लग जाती है, और फिर वो छोड़ना भी चाहते हैं तो ये जो क्रीमें होती हैं उनको छोड़ नहीं पाते हैं, और जो उनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जब वो क्रीम नहीं लगा रहे थे तब उनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी क्या है, कुछ दिन तक स्किन सही रही, उसके बाद जो स्किन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें ये जो क्रीमें हैं ये लगानी ही नहीं चाहिए थी। दोस्तों, ऐसे ही एक क्रीम है जिसका नाम है स्किन लाइट क्रीम। बहुत सारे लोगों ने, मैं यकीन से कह सकती हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस क्रीम को यूज़ किया है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनसे बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि धीरे धीरे करके इस क्रीम को छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए। नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आप लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे आप एलोवेरा जेल हो या घर का फेस पैक हो, दही हो, जो रॉ मिल्क है वो ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, घर की ही चीज़ों से कुछ ऐसा ट्राई कीजिए जिससे आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाए, गोरा चिट्टा हो जाए, जो आपकी स्किन है अगर डार्क है तो वो एकदम से फेयर हो जाए। लेकिन भूल के भी गोरे होने के चक्कर में आप ऐसी ऐसी क्रीमें यूज़ में ना लाएं जो आपके फेस का बैंड बजा दें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमारा जो फेस है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि फिर हमारे लिए बस पछतावा ही रह जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बचता है। स्किन लाइट जो क्रीम है इसको कैसे लगाना है और इसको लगाने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, या आपको अगर आप लगा रहे हैं तो इसको किस तरीके से लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, कितने दिन के लिए लगाना चाहिए, आज के वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करने वाली हूँ। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगी और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यकीन मानिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ सारी की सारी एकदम से ट्रू हैं, सत्य बातें हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्किन लाइट क्रीम है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दोस्तों, अगर हम इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो इससे जो स्किन है हमारी वो लाल हो जाती है, धूप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, क्योंकि जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। ऐसे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी स्किन है वो एकदम से नेचुरल है, अगर आप इस क्रीम को लगाते हैं, स्किन लाइट क्रीम का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। हो सकता है कि एक दो दिन आपको पता ना चले, आठ दिन पता ना चले, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी स्किन है वो लाल हो गई है। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैं ये चार साल से लगा रहा हूँ, पाँच साल से लगा रहा हूँ, मुझे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो मैं केवल अपना ओपिनियन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको सतर्क कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो खूब लगाओ, कई की वजह से आपका चेहरा है खराब होएगा तो आपका होएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, बस हम बता रहे हैं। अगर आपको मेरी बात माननी है तो मानिए, नहीं माननी है तो आपकी मर्जी है। तो चलिए, ये बातें हम रख देते हैं साइड में और हम इसके साइड इफेक्ट जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, पतली होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो कलर है वो फेयर हो गया है, लेकिन वो स्किन पतली हो जाती है इस वजह से वो जो कलर है वो फेयर लगता है, एक्चुअली में जो आपका कलर है वो फेयर
नहीं होता है। इस क्रीम को लगाने के बाद डायरेक्ट आप सनलाइट में ना जाएं, नहीं तो आपके फेस पे छोटे छोटे से दाने निकल आएंगे। हो सकता है कि ये दाने फिर बड़ा रूप ले लें और कभी कभी इन दानों में जो मुहासों का रूप है वो बन जाता है। तो डायरेक्ट सनलाइट में इस क्रीम को लगा के बिल्कुल भी ना जाएं। आपके फेस में जलन हो सकती है, तो दोस्तों हो सके तो इस क्रीम को आप बिल्कुल भी ना लगाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्रीम को लगाना चाहते हैं, तो आप 15 दिन से ज़्यादा इस क्रीम को यूज़ में ना लाएं। और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे करके इस क्रीम को छोड़ना है। जैसे मान लीजिए आप रात में ही लगा रहे थे, क्योंकि इस क्रीम को केवल नाइट में यूज़ कर सकते हैं, दिन में तो इसको बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। अगर आप नाइट में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी जो क्वांटिटी है वो केवल चने की दाने के बराबर रहेगी, इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी आप नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप रात में लगा रहे थे हर रोज़, अगर आपको छोड़ना है तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप रात में हर रोज ये क्रीम को लगा रहे थे तो कोशिश करिए एक दिन छोड़ के, एक दिन लगाइए, फिर दो दिन छोड़ के, तीन दिन छोड़ के, ऐसे ऐसे से करके ना धीरे धीरे करके इस क्रीम को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस क्रीम से दूरी बना लीजिए। और स्किन व्हाइटनिंग के लिए इस क्रीम का बिल्कुल भी यूज ना करें। बहुत सारे लोगों के फेस में झाइयां हो गई हैं, तो झाइयों के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम झाइयों के लिए यूज करें, तो मैं तो बोलूंगी कि झाइयों के लिए बहुत सारे ऐसे होम रेमेडी हैं जो हम यूज करके अपनी जो झाइयां है वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटी सी मात्रा में आप इसको लें, और बस 15 दिन के लिए मैं बोलूंगी, 15 दिन से ज्यादा आप इसको यूज में बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रीम है। एंड जितनी भी हमारी ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन है वो बिल्कुल भी इस क्रीम को यूज ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन है जो, वो बिल्कुल भी यूज ना करें। और अगर आप इस क्रीम को लगा रहे हैं तो दिन में तो बिल्कुल भी ना लगाएं, रात में लगाएं। लेकिन मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि इस क्रीम को आप बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना लगाएं आप, तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।